अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम चाहने वालों को, मैं देखने वालों को, आज की मेरी वीडियो जो है वो टू जो है मिल्क के ऊपर है। मतलब कि जैसे कि एक लैक्टोजिन आता है जो कि आम नॉर्मल डब्बे में आता है, और दूसरा जो होता है वो आप मेची मिल्क कह लें, फेबी मिल्क कह लें, आप उसको बीएफ कह लें, ऐसा कोई भी जो होते हैं जो कैन में आते हैं, तो उनके फ़र्क मैं आप लोगों को बताऊंगी, और दूसरा मैं आपको प्राइस डिटेल वगैरह सारा कुछ बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इस तरह डब्बे में आ रहा है, गत्ते के डब्बे में। ये मिलता है 620 रुपए का शॉप पे, और जो है ये भी होता है 400 जी, और जो कैन होता है जो जैसे बीएफ का कैन हुआ वो भी इतने का ही होता है, मतलब वो भी 400 जी में ही होता है, लेकिन उसकी प्राइस जो होती है वो 1100-1200 तक की होती है, ठीक है। मतलब कि 1000 से ऊपर के होते हैं वो, और ये जो होता है ये 600 तक का होता है, ठीक है। तो इनके जो यूज़ करने का है कि आप बीएफ लेंगे तो बीएफ जो है वो काफ़ी पतला होता है, ठीक है, उसका पाउडर भी आपको देखने में काफ़ी पतला लगेगा। आप मेजी मिल्क लेंगे उसका पाउडर थोड़ा सा थिक होगा, लेकिन जो ये वाला दूध है लैक्टोजिन है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा थिक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो पतला दूध होता है वो बेहतर रहता है। लेकिन उसमें ये था कि जब मैं अपनी बेबी को यूज़ करवाई थी तो उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो वैसी की वैसी ही थी, मतलब कि वो बिल्कुल निढाल और कमज़ोर होती जा रही थी। फिर मैंने उसको लैक्टोजिन लगाया तो अब थोड़ी उसकी सेहत जो है ना वो मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी नॉर्मल हुई है, मतलब कि अब इतनी कमज़ोर नहीं नज़र आती। जैसे कि अभी वो 3 मंथ्स की हो गई थी तो वो मेजी मिल्क में बिल्कुल वो ऐसा लगता था जैसे अभी वो पैदा हुई है, लेकिन अब चलो वो आपको देखें तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी नॉर्मल है।